एग्जाम्स का माहौल है तो सब छोटे भाई बहनों को रिक्वेस्ट है वीडियो ऑफलाइन करके एग्जाम्स के बाद देख लो, क्योंकि वीडियो बाद में भी देखा जा सकता है, पर पढ़ाई का ये वक्त जिंदगी में फिर से नहीं आएगा। ये वक्त आपकी पूरी जिंदगी तो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो आपका हनीमून मलेशिया या सिंगापुर से सीधा महाबलेश्वर और शनि सिंगनापुर में शिफ्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट अच्छे हनीमून डेस्टिनेशन के लिए अभी पढ़ाई करो। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में 7 पॉसिबल थ्योरी से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये जानना है कि कटप्पा ने ये कांड क्यों किया था तो वो वीडियो जरूर देखना। आज हम बात करेंगे बेगम जान के ट्रेलर की, लेकिन फिलोरी जैसे इस वीडियो में स्टोरी प्रेडिक्शन और थ्योरीज का सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 2015 में रिलीज हुई बंगाली मूवी राजकाहिनी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है जो मैंने पहले ही देखी है। तो आज बस ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दिए हैं। ट्रेलर के शुरुआत में हमें पता चलता है कि 1947 का दौर चालू है, लेकिन यहाँ पे जो कॉइन दिख रहा है वो 1939 का 1 रुपी का कॉइन है। अगर आपके पास भी ऐसे रेयर कॉइन्स है तो उन्हें आप ebay.com पे बेच सकते हो। तो देखो, आपके दादा परदादा या ग्रैंड परदादा ने अगर उनके जवानी में काला धन छुपाया होगा तो आज आप उसे सफेद कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान के लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कुछ ऐसे दिखते थे। इस बंदे का और हमारा संबंध स्कूल में बस 4 मार्क्स के लिए आता था, जो मेरे जैसे कैलकुलेटेड स्टडी करने वाले बच्चे ऑप्शन को छोड़ देते थे। देखो, मेरा लॉजिक क्लियर था। एक तो इस बंदे के साथ कंफ्यूज करने को और 3-4 बंदे होते थे, तो 4 मार्क्स के लिए 4 अलग अलग बंदों को पढ़ने से अच्छा है 25 मार्क्स वाले एक गांधी जी रट लो। ये जो हमें पीछे दिख रहा है वो वॉइसरॉय हाउस है, जिसे हम 1950 से राष्ट्रपति भवन के नाम से पहचानते हैं। अब कहानी तो आपको पता चली गई होगी, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की प्रोसेस चालू है और दोनों मुल्कों को डिवाइड करने वाली बॉर्डर बेगम जान के कोठे के बीच से जाती है। बेगम जान को कोटा खाली करने का हुक्म मिलता है जो वो ठुकराती है, और उसके बाद बेगम जान का संघर्ष भारत और पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ शुरू होता है। ये कहानी बस भारत और पाकिस्तान की नहीं है, या फिर बस हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, ये कहानी है स्त्री शक्ति की। एक तो भारत में स्त्री शक्ति पे बहुत कम फिल्में बनती है, और जब बनती है तब कुछ ऐसी बनती है जैसे एक पुलिस वाली बहन लिटरली डिशुम डिशुम आवाज करके गुंडे को पीटेगी, या फिर त्रिशूल वाली आंटी कैप्टन अमेरिका के शील्ड के जैसे त्रिशूल को इस्तेमाल करके बुलेट से बचेगी। और गलती से अगर बुलेट लग भी गई, चाहे वो हेड शॉट ही क्यों ना हो, इमोशनल बातें करके जिंदा रहेगी। ओरिजिनल मूवी राजकाहिनी में बेगम जान का रोल प्ले किया था ऋतुपर्णा सेनगुप्ता ने। बेगम जान का ट्रेलर देखने के बाद बहुत लोगों ने इन दोनों में कंपैरिजन किया। मैं ये 100% मानता हूँ कि मूवी में ऋतुपर्णा ने डायलॉग डिलीवरी, फेशियल एक्सप्रेशन और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से बहुत उम्दा एक्टिंग की है, मगर दोस्तों ये बात उतनी ही सही है। आज की तारीख को बॉलीवुड में बेगम जान जैसा चैलेंजिंग रोल विद्या बालन के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी बेगम लोगों में उतनी जान नहीं है। बेगम जान मूवी में क्या नहीं है, सब कुछ है। मूवी में बिग बॉस वाली गौहर खान है, रणबीर को बेशर्म मूवी फ्लॉप करने में मदद करने वाली पल्लवी शारदा है, वीको टर्मरिक लगाने वाली मिष्टी है, और मेरी आई मंदिर के सामने जिस साइज का रंगोली निकालती है उसी साइज की बिंदी पहनने वाली इलारून है। और एक बात, मूवी में चंकी पांडे भी है। टीम इंडिया के इनिंग में मनीष पांडे जितना वक्त क्रीज पे होता है एग्जैक्टली उतना ही वक्त चंकी पांडे आजकल मूवीज में होता है, और ये सब लड़कियां भी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे कोठा यूनाइटेड नाम से ये लड़कियां मूवी प्रमोशंस के दौरान फुटबॉल मैच भी खेल सकती है। मूवी के बहुत ऐसे सीन्स है जो फ्रेम टू फ्रेम ओरिजिनल मूवी से लिए गए हैं, जैसे यहाँ हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के साथ लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जीना है। इस हिस्टोरिकल मीटिंग की ये ओरिजिनल पिक है। यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट और आर्ट डायरेक्टर, इन सब का एक्सेलेंट टीमवर्क दिख रहा है। सबसे मेजर चेंज मूवी में ये होगा कि राजकाहिनी में जिस बॉर्डर से ये पूरा सीन क्रिएट हुआ है वो भारत और इस पाकिस्तान के बीच में थी, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और वो बॉर्डर बंगाल को डिवाइड करती थी। लेकिन बेगम जान मूवी में जो बॉर्डर दिखाने वाले हैं वो भारत और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में है, और पंजाब प्रांत को वो डिवाइड करती है। दोनों मूवीज के ट्रेलर में हम ये जो मैप्स देखते हैं इससे ये बात साफ हो जाती है। और इस लाइन को रेडक्लिफ लाइन इसलिए बोलते थे क्योंकि जिस इंडियन बाउंड्री कमिटी ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर डिसाइड की थी, रेडक्लिफ उस कमिटी के चेयरमैन थे। लेकिन भारतीयों को बस 2 ही बॉर्डर पता है, 20% लोगों को वाघा बॉर्डर पता है और बाकी के 80% लोगों को सनीपाजी के बॉर्डर पता है। और एक बात, मूवी का बजट बढ़ गया है तो इन लोगों ने देसी कुत्तों को विदेशी कुत्तों से रिप्लेस कर दिया है। मूवी के डायलॉग्स कितने बोल्ड है वो आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, मगर ये जो ज्वाला इन लोगों ने लगाई है वो सेंसर बोर्ड वाले अंकल मूवी रिलीज होने से पहले ही बुझा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। स्कूल में आपको सबसे घटिया सब्जेक्ट कौन सा लगता था वो कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपने भी राजकहानी पहले से देखी हुई है तो प्लीज आपका रिव्यू कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और अगर आप नए हो तो हेडशॉट लग के भी जिंदा रहने वाले बहन की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मगर फिर भी न जाने क्यों वड़ा पाव सुन के मुझे भूख लगी है उस संगीता। चल रे जा इकडून भिखारड्या, जा दुसरीकडे जाऊन भीक माग, मुझको भी वड़ा पाव दे दो, समझी ना ओ संगीता।